Thank you guys for being here on my channel and you are watching the English Spoken Hub. And my name is Satyendra Rawat and today I brought a very interesting structure amongst you which you can use and utilize in your speaking. Let's get started without wasting time. Okay, so here I have some examples for you. Agar main kahun ki yeh baksa us bakse se teen guna bhari hai. तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? और मैं ये कहूँ कि शीला श्यामा से दो गुना मोटी है, ठीक है, तो कैसे बोलोगे? इन्हीं सभी तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को सुपर कूल एंड वेरी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है? तो देखेंगे बिना समय गंवाए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर विच यू कैन सी ऑन दिस बोर्ड जो कि आपके सामने है. यहाँ पे सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता है, आई यू वी दे ही सी इट नेम. ओके, एंड हेल्पिंग वर्ब जिसे हम इज एम आर वॉज वर विल बी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको इसका यूज़ करना है. सेंटेंस आपको बनाने हैं, आपको पता है आप पास्ट में बना रहे हैं, फ्यूचर में बना रहे हैं, उसके माध्यम से आप हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे, ठीक है? और आफ्टर दैट प्लस देन न्यूमरल एडजेक्टिव एंड प्लस टाइम्स. ओके, प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन. ओके, सो आपको इस स्ट्रक्चर को लिख लेना है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना है जिससे कि आपके पास एक डेटा आ जाए और इसको आप अपनी डेली लाइफ में अच्छे से यूज़ कर पाएँ, अपने दोस्तों के साथ स्पीकिंग के अंदर बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ. तो देखते रहिए, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. पहला एग्जांपल देखेंगे. ओके, यह बक्सा उस बक्से से तीन गुना भारी है. कितने गुना भारी है? तीन गुना भारी है. ओके, सो जब हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि इतना मोटा या उससे बात करेंगे कि हाँ यह किताब उससे दो गुना भारी है, तीन गुना भारी है, पांच गुना भारी है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को ही हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है? तो आप जस्ट इसको कीप ऑन वॉचिंग. दिस बॉक्स इज थ्री टाइम्स एज हैवी एज दैट बॉक्स. ओके, दिस बॉक्स इज थ्री टाइम्स एज हैवी एज दैट बॉक्स, ठीक है? आपको इस स्ट्रक्चर के बेस पे ही कुछ एग्जांपल्स मैं समझा रहा हूँ एंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. दिस बॉक्स इज थ्री टाइम्स एज हैवी एज दैट बॉक्स. आप यहाँ पे हैवियर का यूज़ नहीं करेंगे कि दिस बॉक्स इज थ्री टाइम्स हैवियर देन दैट बॉक्स, वो गलत हो जाएगा. इसलिए मैंने एज हैवी एज का यूज़ किया है, ठीक है, कंपैरिजन को दिखाने के लिए. तो आप वो गलती ना करें, एज हैवियर देन दैट नहीं लगाना, ठीक है? दिस बॉक्स इज थ्री टाइम्स हैवियर देन दैट बॉक्स, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, ठीक है, गलत हो जाएगा. दूसरा एग्जांपल देखेंगे. राधा शीला से कई गुना अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, आप कुछ भी लगा सकते हो, अच्छी है, मोटी है, गोरी है, काली है, ठीक है, नाटी है, छोटी है, जो भी, ठीक है. राधा इज सेवरल, कई की बात आएगी तो सेवरल टाइम्स एज गुड एज शीला. ओके, राधा इज सेवरल टाइम्स एज गुड एज शीला. आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा गाइस, तो इसको पूरा वीडियो को देखें लास्ट तक. तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे. वह आपसे सौ गुना अमीर है. वह आपसे सौ गुना अमीर है, ठीक है. ही इज 100 times एज रिच एज यू. आपसे 100 गुना अमीर है, ठीक है. तो आपसे 100 गुना अमीर है. और आपके लिए मेरे पास एक सेंटेंस है जो कि आपको खुद बनाना है, उसको खुद फ्रेम करना है इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है,
एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करना अपने उन दोस्तों को जो इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।